हेलो दोस्तों, शेफाली की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मैंने 1 किलो कच्चे केले लिए हुए हैं और आज मैं इनकी बनाऊंगी फिंगर फ्राई। जी हाँ, आज मैं इन केलों से बनाऊंगी फिंगर फ्राई। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने धोकर अच्छे से रख लिया। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी और कट करके आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये सारे केले मैंने छील लिए हैं और इनको अब लंबा लंबा, जैसे हम चिली पटेटो के लिए या फिर हम फ्रेंच फ्राई के लिए आलू कट करते हैं, उस तरह से हमें ये अपने केलों को कट करना है ऐसे। तो सारे केले जो हैं ये कट चुके हैं, ये चिली पटेटो के शेप में ही काटे हैं मैंने, लंबे लंबे पीस हैं ये। और मैंने गैस पे ये ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल तेज गर्म चाहिए हमें। हम ऑयल चेक करेंगे हुआ है कि नहीं, अभी ऑयल नहीं गर्म है, इसे हमें और गर्म करना है। हम ऑयल को फिर चेक करेंगे कि ऑयल हुआ है कि नहीं। अब ऑयल प्रिंट हो गया है तो हम इसमें अपनी ये फिंगर चिप्स डालेंगे। इनको हमें थोड़ा थोड़ा ही सेकना है, फ्राई करना है। जितना हमारी कढ़ाई में आ जाएंगे उतने ही हमें फिंगर चिप्स डालने हैं ये। इनको ब्राउन होने तक हमें फ्रेंड्स फ्राई करना है और हम ये सारा काम जो है तेज आंच पर करेंगे। लेकिन जो बर्नल है हमारा वो छोटा है, फ्लेम हमारी बहुत हाई नहीं है, इतनी ले हाई है, इस पे हमें फ्राई करना है इन्हें। तो ये सारे जो हैं फ्राई हो चुके हैं, 7 मिनट में ये फ्राई हुए हैं और ये बिल्कुल हल्के हो गए हैं, जैसे पहले इनका वजन था अब ये हल्के हो गए हैं और क्रंची भी। तो मैं ये सारे इसको निकाल लूंगी। और बाकी के डाल देंगे। एक किलो केले के जो ये फिंगर चिप्स बने हैं फ्रेंड्स, तो इनको 3 बार में ये तले जाएंगे और 1 बार तलने में इनको 6 से 7 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि ये इनमें मॉइस्चराइजर जो होता है वो सूखने में 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो ये दूसरी बार के जो डाले थे फिंगर फ्राई वो भी हो गए हैं, अब हम इनको भी निकाल लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, फटाफट बनने वाली है और उतनी ही टेस्टी और हेल्दी है। अब हम इनको भी 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। तो ये लास्ट वाले जो थे वो भी हमारे पूरे
गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो हम इन्हें भी निकाल लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। अभी जब फ्रेंड्स ऑयल ठंडा हो जाएगा तो हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल कर और इसी कढ़ाई में इसमें चाट मसाला मिलाएंगे। वो इसलिए मिलाएंगे फ्रेंड्स क्योंकि बर्तन मुझे ही साफ करने होते हैं, मैड नहीं है मेरे घर में तो ढेर सारे बर्तन नहीं करने हैं मुझे। तो इसी कढ़ाई में फिर से चाट मसाला इसको मिलाएंगे। अगर थाली में मिलाते हैं तो सही से मिल नहीं पाएगा और कढ़ाई में अच्छे से कोटिंग हो जाएगी चाट मसाले की, फिर ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे फ्रेंड्स। तो तेल जब तक ठंडा होता है फिर मिलते हैं। तो मैंने सारा ऑयल जो है इसका निकाल दिया है। अब मैं गैस को एक बार फिर से ऑन करूंगी और सारे जो मेरे ये बनाना फिंगर फ्राइज हैं इनको कढ़ाई में डालूंगी। फ्रेंड्स ये घर का बना हुआ चाट मसाला है, आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी रेसिपी मैं कुछ दिनों बाद आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि अभी मेरा काफ़ी सारा बना रखा हुआ है। तो जब ये ख़त्म होगा मैं बनाऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी और तब तक आप बाज़ार का चाट मसाला डाल के इसको इंजॉय कर सकते हैं। सारे फिंगर फ्राइज में अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारे बनाना फिंगर फ्राइज बनकर रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। बढ़िया से चाय बनाइए और इंजॉय कीजिए, काफ़ी टेस्टी और हेल्दी हैं फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर कुछ कमी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अपनी कमी को सुधारूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।